चंपा अपने इकलौते बेटे की शादी करके उसके लिए टूनी नाम की एक बहू ले आती है, ये सोचकर कि बहू बहुत गुणी है और बहुत ही संस्कारी। लेकिन अभी चंपा को असलियत पता नहीं थी, वो अपनी जिस बहू को सीता समझ रही थी वो सीता नहीं थी बल्कि गीता थी। उसे पता नहीं था कि उसकी बहू उल्टा जवाब देने में माहिर है। एक दिन चंपा रसोई में जाती है तो देखती है कि टूनी रसोई में खड़ी हुई थी, तो चंपा कहती है, अरे टूनी बहू, चाय बना रही हो क्या? बन गई हो तो दे दो। माँ जी, अगर चाय बन गई होती तो मैं आपको दे नहीं देती, आपके पूछने का इंतजार नहीं करती। बहू, तू मेरी बातों का उल्टा जवाब क्यों दे रही है? तू सीधा सीधा भी तो जवाब दे सकती है ना कि माँ जी अभी नहीं बनी है। माँ जी, मैं तो सीधे सीधे ही कह रही हूँ, आपको मेरी बातें उल्टी लग रही है तो मैं इसमें क्या करूँ? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। बहू, अगर तेरी यही आदत है तो इस आदत को सुधार ले कि हमारे घर में कोई भी कभी भी किसी को उल्टा जवाब नहीं देता। माँ जी, मैंने तो आपको कुछ भी उल्टा जवाब नहीं बोला है, आपको जो लग रहा है वो आपकी गलतफहमी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और अगर किसी को बदलना भी है तो आप बदलिए ना, मैं क्यों बदलूं? अपनी बहू टूनी की बात सुनकर लूसी को बहुत बुरा लगता है और वो ऐसे ही कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय आगे बढ़ता जाता है लेकिन टूनी के उल्टा बोलने की आदत में कोई बदलाव नहीं आता, वो अभी भी सभी को उल्टा जवाब ही देती है। ऐसे ही एक दिन उसकी चचेरी नंद शाम के समय उससे मिलने आती है, लेकिन उस समय टूनी अपने बिस्तर पर पड़ी हुई सो रही थी। अभी उसकी नंद कल्लो उससे कहती है, भाभी आप इस समय क्यों सो रही हो? ये तो शाम का समय है, इस समय नहीं सोते। इस पर टूनी कहती है, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ और मैं लौटूं या सोऊं इसमें मैं क्या करूं? इसमें तुम्हारी दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, और मैं लौटूं नहीं तो क्या करूं? नाचूं? तुम ना मुझे ना ज्यादा ज्ञान ना दो, अपने आप से काम रखो, मुझे अपना ये फालतू का ज्ञान मत बांटा करो, समझी? अरे भाभी, आप तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो और उल्टा जवाब तो आपके मुँह पर ही रखा रहता है। हाँ तो मैं क्या करूँ? और हाँ, वैसे उसे उल्टा जवाब नहीं कहते, उसे सीता जवाब ही कहते हैं। पता नहीं तुम लोगों को मुझसे क्या दिक्कत है, मुझे उल्टा जवाब देने वाली बहू के नाम से फेमस कर रखा है पूरे गांव में, लेकिन उल्टा जवाब देता कौन है? देते तो तुम सब हो। तभी वहाँ लूसी आ जाती है। अरे बेटी, तू भी किसके मुंह लग रही है? तू जानती नहीं है क्या उसकी आदत को? उसको उल्टा जवाब देने की आदत है जो इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। वो अपने सामने नहीं देखती वो किससे उल्टा जवाब दे रही है। वो तो अपने ससुर जी से भी ऐसे ही जुबान लड़ाती है और मुझसे भी ऐसे ही बातें करती है। न उसे छोटों का लिहाज है न बड़ों की शर्म। हाँ ताई जी, आप सही कह रही है, मैं ही पागल हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। सभी ने टूनी को बहुत समझाया लेकिन मजाल है कि उसके सर पर एक जूं भी चली हो, वो वैसी ही रही और उसने अपनी आदत को कभी नहीं बदला। सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे। कालू कौवा अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने के कारण कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे को डांटते हुए कहते हैं, कालू तू कब तक इसी तरह आवारा गर्दी करता रहेगा? तेरे उम्र के कौवे दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं। या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं, मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ लेकिन तू मेरी कोई बात नहीं मानता है, तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा। कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर, ये आखिर जाएगा कहाँ? तभी कालू कहता है, अरे मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं, तो किसी के घर नहीं जाएगा, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और काम की तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहां पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई।
साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है। ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी, क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा और तुम्हारा भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता, मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का, ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहां पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं? इस घर में कौन रहना चाहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में उफान आ गया और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव के पक्षी बहुत घबरा गए, उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे, तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क और उसकी माँ, वे भी बांस के घर में रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है, लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे, इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। कालू तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया, फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे। एक जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। वो ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी गांव में जाबाज चील एक गुंडा था। उसके पास पेट्रोल, डीजल और गैस का स्टेशन था। गांव में अकेले उसी के पेट्रोल पंप होने के कारण वो मनमानी दाम में ऑटो वालों को गैस बेचता था। एक दिन बबलू के पास हरिया तोता आता है। हरिया एक साइंटिस्ट था। बबलू, ये ऑटो कैसा है? तुम तो लाल रंग का ऑटो चलाते थे, क्या तुमने नया ऑटो रिक्शा खरीदा है? तो बबलू कहता है, नहीं सर, नया ऑटो नहीं है मेरा, ऑटो रिक्शा तो बैंक वाले उठा के ले गए, क्योंकि मैंने अपना ईएमआई नहीं दिया था, इसलिए ये ऑटो मैंने खड़क सेठ से किराए पर लिया हूँ। तो हरिया कहता है, ये तो सीएनजी ऑटो जैसा है, माइलेज कितना देता है?
तो बबलू कहता है, माइलेज कितना भी दे क्या फायदा उसके साहब, उसके हिसाब से भाड़ा भी तो देना पड़ता है ना। पूरी जिंदगी भर मेहनत करने पर भी मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे। तो हरिया कहता है, तो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम अपना CNG ऑटो खरीद लो, उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तो बबलू कहता है, नहीं हरिया सर, वो जाबाज मन माने दामों में गैस बेचता है जिससे हमें फायदा नहीं होता है, बहुत बुरे फंसे हुए हैं। तो हरिया कहता है, अच्छा ये बताओ तुम्हारी पत्नी क्या करती है। तो बबलू कहता है, मेरी पत्नी पीलू मिट्टी के सामान बनाती है, वो जो भी एक बार देख लेती है वैसा का वैसा मिट्टी का बना देती है। हरिया कुछ सोचता है और बबलू से कहता है, अच्छा तो एक बार तुम दोनों मेरे घर आना। अगले दिन बबलू पीलू के साथ हरिया के घर गया। पीलू ने हरिया को मिट्टी के बने हुए कुछ सामान दिखाए जिसको देखकर हरिया बहुत खुश हुआ। फिर वो पीलू को मिट्टी का ऑटो रिक्शा बनाने को कहता है और देखते ही देखते पीलू मिट्टी के ढेर से एक ऑटो रिक्शा तैयार कर देती है। अरे वाह पीलू, तुम तो कमाल की कलाकार हो। तो बबलू कहता है, मैंने कहा था ना सर कि ये जो देखती है वैसी ही चीज मिट्टी से बना देती है, लेकिन अब इस मिट्टी के ऑटो का आप क्या करेंगे, ये चलेगा कैसे। तो हरिया कहता है, ये तो तुम मुझ पर छोड़ दो, अब मैं जाबाज की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, और तो और मैं ऑटो वालों को CNG भी सप्लाई करूंगा। फिर हरिया अपनी लैब में पीलू के बनाए ऑटो रिक्शा में काम करने लगा और साथ ही एक बड़ा सा CNG का पंप भी तैयार कर दिया और ऑटो में CNG गैस भी भर दिया। इसके बाद वो बबलू को वो ऑटो चलाने के लिए दिया। बबलू अब मिट्टी का ऑटो चलाने लगा और उससे पैसे कमाने लगा। मिट्टी के अनोखे ऑटो को देखकर जंगल वाले बहुत खुश हुए। तो हरिया कहता है, गांव वालों अब से आपकी ऑटो की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो गई है, पीलू मिट्टी के ऑटो बनाएगी और मैं आप सभी के लिए बड़ा सा गैस पंप भी बना दिया हूँ, अब से आप यही से कम दामों में गैस भरवाओ। तो टिल्लू कहता है, सर ये मिट्टी का ऑटो बारिश में नहीं पिघलेगा क्या। तो हरिया कहता है, मैंने इस पर सारे टेस्ट कर लिए हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मिट्टी का बना हुआ होने से ये एकदम हल्का ऑटो है जिससे इसकी माइलेज भी 100 की है। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जाबाज की दुकान में भीड़ लगनी बंद हो जाती है। बबलू तुम्हारे इतने हिम्मत कि तुम मेरे गैस स्टेशन से गैस नहीं भरवा रहे हो। तो बबलू कहता है, तुमने हम लोगों को बहुत लूटा है जाबाज, अब तुम सब हरिया सर के गैस स्टेशन से ही गैस भरवाएंगे। तो जाबाज बोलता है, मैं तुम्हारे हरिया सर का बैंड बजा दूंगा, उसकी ये हिम्मत कि जाबाज से पंगा ले रहा है, मेरी दुकान बंद करवाएगा, मैं उसको ही बंद कर दूंगा। उस रात जाबाज हरिया के घर पर जाता है। हरिया सो रहा होता है, जाबाज चाकू निकालता है, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती है और वो देखता है कि उसे पुलिस ने घेर लिया है। तो कालू इंस्पेक्टर कहता है, जाबाज तुमने इस देवता जैसे साइंटिस्ट को मारने की कोशिश की, आज तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। फिर जाबाज की पुलिस बहुत पिटाई कर देते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। इस तरह से हरिया गरीब गांव वालों की मदद करता है और सबकी जिंदगी खुशहाल बन जाती है। अब पीलू और बबलू अमीर हो जाते हैं। पीलू की खुद की मिट्टी का ऑटो बनाने की फैक्ट्री होती है और बबलू हरिया के साथ CNG बेचता था। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। मंदार गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत दुखी था। रामू को किसी ने बताया कि अपने दुखों के समाधान ढूंढने के लिए
आचार्य जयसूर्या के पास जाए। आचार्य सभी दुखों का समाधान कर देते हैं ये दिलासा दिलाया। रामू आचार्य के पास जाने के लिए तैयार हो गया। रामू बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा था। रामू की मन में ये आशा थी कि आचार्य कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएंगे ताकि वह दुखों से मुक्ति पा ले। रामू आचार्य के पास पहुंचता है और कहता है, आचार्य मैं तो एक मामूली सा किसान हूँ, खेती तो मेरा जिंदगी है, मगर मैं जितना भी मेहनत करके खेती करूं, हर साल बरसात समय पे ना होने की वजह से अच्छी फसल नहीं मिलती है। हर साल या तो अतिवृष्टि होती है या तो अनावृष्टि। पिछले साल भी मैंने बोया था मगर मेरा फसल पूरा बर्बाद हो गया, और इस बार अधिक वर्षा से मेरे फसल को नुकसान पहुंचा है, और खाने पीने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। आचार्य रामू की पूरी बातें शांति से सुनते हैं। आचार्य मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मगर आर्थिक स्थिति हीन होने के कारण कभी कभी परेशान भी करती है। कभी मुझे लगता है कि उसके कारण मैं तंग आ गया हूँ। अगर वो मेरे जीवन में ना होती तो ही मैं सुखी रहता, और इसकी वजह से मेरे बच्चे भी मेरी बात नहीं सुनते, और इस स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बच्चे ही नहीं है। ऐसे रामू अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं को आचार्य के सामने बोल देता है, मगर आचार्य उतनी ही शांतता से रामू की बातें सुन रहे थे। ऐसे ही रामू अपने कष्टों को बताते बताते चला गया। आखिरकार उसके पास बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जब सारी बातें बता चुका तो रामू चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि आचार्य क्या कहेंगे, मगर आचार्य ने कुछ नहीं बोला। तब रामू कहता है, मैं तो बहुत ही उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, क्या आप हमारे समस्या का समाधान नहीं कहेंगे? रामू को आचार्य कहते हैं, मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। इस बात को सुनके रामू को आश्चर्य हुआ। तो रामू कहता है, ये क्या बात हुई आचार्य, मैं इस उम्मीद से आया था कि आप मेरे दुखों का कोई ना कोई समाधान बताएंगे, क्या इसलिए आप हमारे समस्याओं का समाधान नहीं दे रहे हो क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ? तब आचार्य उतनी ही शांतता से कहते हैं, नहीं, समस्या तो हर किसी के जीवन में है। कभी मनुष्य सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी उसे पराये अपने लगते हैं, और कभी कभी अपने भी उसे पराये लगते हैं। इस जीवन चक्र से कोई भी निकल नहीं सकता। संसार के हर एक व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है, यही वास्तव है। इन समस्याओं के लिए समाधान किसी के पास नहीं है। अगर तुम एक समस्या का समाधान ढूंढोगे तो उसके जगह दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिसे तुम बहुत चाहते हो एक ना एक दिन आपको छोड़कर जाना ही है। ऐसे ही एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से मुक्त हो जाओगे, मगर समस्याएं वैसे के वैसे ही रहेंगे। 100 साल पहले भी समस्याएं थे और आज भी समस्याएं हैं। समस्याएं जैसे थी वैसे ही रहेंगे। आचार्य के बात सुन के किसान को बहुत गुस्सा आया और वह कहा, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, लेकिन आप तो हमें निराश कर दिया। सब लोग झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान बताते हो, लेकिन आपने तो हमारे कोई भी समस्या का समाधान ही नहीं बताया। कुछ साल पहले एक संत महात्मा ने हमारे यहाँ याग यज्ञ करवाया था, उससे मुझे थोड़ी शांति भी मन को मिली थी और सुख संपदा भी मिली थी, मगर आपने तो सीधा मना कर दिया। क्या उस यज्ञ से आपकी सारे समस्याएं समाप्त हो गई? आज देखो, उससे भी बड़ी समस्या में आप फंसे हो। तब दुखित होके किसान कहता है, तो आपका मतलब है मेरे दुखों का कोई अंत ही नहीं? अगर ऐसा है तो आपके इस तपस्या का क्या उपयोग? तब आचार्य कहते हैं, आपके रोजमर्रा समस्याओं का तो मैं हल नहीं दे सकता, मगर आपके जीवन का सबसे बड़े समस्या का हल मेरे पास है। इस बात को सुन के रामू अचंभित हो जाता है और रामू पूछता है कि वह समस्या क्या है जो उसको पता नहीं है। तब आचार्य कहते हैं, तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या ना हो, यही आपके दुख का कारण है।
आप पहले ये मान लो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती ही है, इसलिए पहले अपने आसपास के लोगों की दुख समझो। दूसरों के दुख और समस्या को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका दुख कितना कम है। आचार्य की बात सुन के रामू को यह पता चलता है कि कभी उसने इस तरीके से सोचा ही नहीं। तब वो आचार्य से कहता है, हाँ आचार्य, कम से कम मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर में एकजुट होकर रहता हूँ। कई लोगों को घर नहीं है, बहुत सारे लोगों को जोतने के लिए जमीन भी नहीं है। अपने दुखों को ही बड़ा मान के मैं ये सोचता था कि मैं जितना श्रम कर रहा हूँ उसका फल नहीं मिल रहा है, मगर आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जितना है उसी में खुश रहना है और खुशी को ढूंढना है। रामू आचार्य को नमस्कार करके वहाँ से निकल पड़ता है और आगे की जिंदगी में जितनी अपनी ताकत है उतने से श्रम करके अपनी जिंदगी में खुश होने की कोशिश करता है। इसके अलावा अपने साथियों को, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी खुश रखने की कोशिश में जुट जाता है। एक जंगल में डाकू चिड़ियाओं का बहुत बड़ा गैंग था। वो लोग बहुत बड़ा डाका डालते हैं और उसको एक गुफा में छुपा देते हैं। सुनो डाकू भाइयों, हमें पुलिस ढूंढ रही है, हमें अभी इस गुफा में रहना होगा। लेकिन हम खाएंगे क्या सरदार? गांव से किसी खाना बनाने वाले को उठा कर ले आओ। हाँ, गांव में बबलू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। फिर कालू बबलू को किडनैप करके गुफा में ले आता है। ये लीजिए सरदार, ये है बबलू रसोईया, इससे हम खाना बनवाएंगे। मुझे आप लोगों ने किडनैप कर लिया है, लेकिन खाना कैसे बनाऊं? सामान कहाँ है? तुझे पूरा सामान मिलेंगे, वो देख वहाँ सामान का ढेर लगा हुआ है। अरे लगता है तुम पूरे साल का राशन यहाँ ले आए हो। चल अब सरदार जबास के लिए चाय बना। लेकिन किसमें बनाऊं? चूल्हा कहाँ है? अरे कालू चूल्हा कहाँ है? देखो बबलू कोई जुगाड़ करो, क्योंकि अब मैं बाहर नहीं जा सकूंगा चूल्हा लेने के लिए। और तुम तो वैसे भी सड़क के किनारे दुकान लगाते हो, तुम्हारे पास कौन सा बहुत अच्छा चूल्हा है? जुगाड़ करो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है ठीक है, मैं ड्रम का चूल्हा बना लूंगा। इसके बाद बबलू ड्रम छेद करके उसमें लकड़ियां भर देता है और ऊपर के हिस्से से उसमें बर्तन रख कर चाय और खाना बनाने लगता है। सारे डाकू खाने का मजा लेते हैं। तेरा खाना तो बहुत अच्छा है, अब तू यहाँ से कभी नहीं जाएगा, तू पूरी जिंदगी हमारे लिए खाना बनाएगा। अरे ये कहाँ फंस गया मैं? अरे तुम फिक्र मत करो, आखिर तुम डाकू जाबाज के लिए खाना बना रहे हो। मेरे सिर पर 10 लाख का इनाम है, लेकिन कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता, तो तुम बस 10 लाख वाले इनामी डाकू के लिए खाना बनाते रहो। बहुत दिनों तक बबलू उन डाकुओं के अत्याचार सहता रहा और खाना बनाता रहा। एक दिन उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो हेलीकॉप्टर की आवाज है। फिर बबलू अपने ड्रम में गीले लकड़ियां डाल देता है और उसका धुआं गुफा से निकल कर बाहर जाता है और ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। बस ये हेलीकॉप्टर ये धुआं देख ले। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर गुफा के पास उतरता है और उसमें से बहुत सारे पुलिस वाले निकलते हैं। पुलिस गुफा में धावा बोल देते हैं और सारे डाकू पकड़े जाते हैं। पुलिस सर, मैंने ही गुफे के अंदर से धुआं किया था, जिससे आप ये समझ जाओ कि इस सुनसान जंगल में इस गुफा में कोई है। आपने यहाँ आकर इन डाकुओं को पकड़ा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरा धन्यवाद नहीं बबलू, तुमने बहुत होशियारी दिखाई है, तुम्हें 10 लाख मिलेंगे।
फिर इसके बाद बबलू को 10 लाख का इनाम मिलता है और उसका जीवन अब अच्छे से बीतने लगता है।